हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपने मेरे मिनी ब्लॉग में देखा, कल रात को मैं आई थी दीदी के घर में। तो 11 जनवरी से तीन दिन का स्कूल भी स्टार्ट हो गया है। तो सुबह सुबह उठ के हमने खाना रेडी किया। दीदी ने मुझे दिया था आलू और कच्चे हल्दी छीलने के लिए, उसका हम लोग बनाएंगे गुडोक चटनी फर्मेंटेड फिश के साथ। और दीदी ने मुझे बोला कि इथान का जो ड्रेस है मुझे इस्त्री करके दे दो। मुझे इतना अच्छा भी लग रहा था ना, उसका कपड़ा इस्त्री करके छोटा छोटा क्यूट क्यूट से लग रहा था। और उसके शर्ट में जो है सिर्फ चार ही बटन है, मुझे देख के इतनी हंसी भी आ रही थी, मुझे इतना अच्छा भी लग रहा था। और मुझे करने थे तीन कपड़े प्रेस, दो शर्ट और एक लॉन्ग पैंट। शर्ट का तो इस्त्री हो गया, तो अभी मैं कर रही हूँ उसका लॉन्ग पैन इस्त्री। और करीबन 7:30 हम लोग घर से निकले थे। और ड्रॉप गेट से जो है मैंने जुगनू बुक किया था। और मैडम लोग जो है, मैडम मेरा, मिस रसना और मिस इमो जो है मेरा वेट कर रहे थे मोटर स्टैंड में, उधर से वो लोग चढ़ेंगे। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं कोलाबा। गुड मॉर्निंग, इन दिस फॉगी मॉर्निंग वी आर कमिंग फ्रॉम अगरतला। Foggy morning. Have a good day. Already 8:30, I think might be now. हाँ, तो अभी हम लोग जो है हमारे स्कूल के रास्ते में पहुंच गए हैं। आप लोग को पता ही चल गया होगा ये ब्रिज देख के। और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं स्कूल में। और स्कूल पहुंचते ही तसगम के लिए हमारे स्टूडेंट का स्टार्ट हो गया है प्रैक्टिस फर्स्ट। तसगम से जो है हम लोग कल निकलने वाले हैं स्कूल से। और हमारे टीचर लोग भी देखो कितना हेल्प कर रहे हैं हम लोग का। ये जो बम्बू सिल्वर कलर से रैप कर रहे हैं वो डांस के लिए है। और घर पहुंचने के बाद ये हो गई है मेरी पैकिंग। और रात को मैंने खाया मैगी। और ये है नेक्स्ट डे का, 12 जनवरी का। हम लोग रेडी हो रहे थे सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल पतेलाघाट में जाने के लिए। तो हाँ, उधर ही होने वाला था तसगम। और हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारी जर्नी। सरन जो है बाइक से जा रहे थे, मिस इमो, मैं और सर मिल्टन, हम तीन टीचर जा रहे थे बच्चे लोग के साथ। और फाइनली जो है हम लोग पहुंच गए हैं स्कूल में। काफ़ी दूर था, हम लोग करीबन 10 बजे स्कूल से निकले थे और पहुंचे 12:30 को। हाँ, तो सर सरन जो है हमसे पहले ही पहुँच गए थे क्योंकि वो बाइक से आए थे। तो ये रहा लेफ्ट साइड में इन लोग का कैंटीन, स्कूल का कैंटीन। और राइट साइड में है इनका ग्राउंड जहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है तसगम का। हम आस पास भी इधर ही होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं स्कूल की तरफ उनको पूछने के लिए रजिस्ट्रेशन के बारे में और रूम के बारे में, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कहाँ ठहरेंगे। तो इधर होगा शाम को इवनिंग प्रोग्राम्स, जो कल्चरल प्रोग्राम है इधर ही होगा। कितना बड़ा है ना। और ये रहा हमारे मॉन्टफोर्ट स्कूल के गर्ल्स का रूम, इन्होंने तिरपाल दिया है। और जैसे हमने रूम चेक किया, चेक करने के बाद हम लोग ने स्टूडेंट्स लोग को बुलाया। और ये रहे हमारे स्टूडेंट्स, कितने खुश हैं। और सेटल होने के बाद हम लोग जैसे रूम में पहुँचे रेडी हो गए थे मार्च पास के लिए। टाइम नहीं रहेगा इसीलिए, क्योंकि ये जो ओपनिंग सेरेमनी है 3:30 को होने वाला है, इसीलिए हम लोग अभी से रेडी हो रहे थे। और कुछ स्कूल जो है अभी भी आ रहे थे। तो एग्जैक्टली 3:30 को ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गया था। हाँ, तो अभी जो स्टूडेंट लोग हैं ओट ले रहे थे ओपनिंग सेरेमनी होने के बाद। 15 मिनट्स का ब्रेक दिया गया था और फिर स्टार्ट हुआ था उनका ट्रैक इवेंट। 100 मीटर 200 मीटर सेमीफाइनल के लिए सिलेक्शन चल रहा था। और शाम को 6 बजे जो है डांस कंपटीशन था, तो उसी के लिए जो है स्टूडेंट लोग रेडी हो रहे थे। उन्होंने जो है अपना
चूड़ी लेने लेके आने के लिए भूल गए थे। तो देखो जो चिप्स का पैकेट है, मैंने उनको आइडिया दिया था काट के लगाने के लिए, तो सेलो टेप था उसी से वो लोग फिक्स कर रहे थे, पर पहचान में नहीं आ रहा ना देख के। तो हाँ, चिप्स का पैकेट कट करने के बाद वो अब उल्टा करके जो सिल्वर कलर होता है उसी साइड में फ्रंट करके वो लोग सेलो टेप से लगा रहे थे। देख रहे मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने खुद आइडिया दिया और उसके बाद मैं खुद ही हंस रही थी। तो हाँ, फिर स्टार्ट हो गया था हमारा प्रोग्राम। तो हमारा जो डांस कंपटीशन था, हम लोग थे थर्ड नंबर में। This is the ending occasion of the calendar Jibri community people. Thank you. तो डांस कंपटीशन खत्म होने के बाद हमने किया डिनर और करीबन 10 बजे हम लोग सो गए थे और सुबह को 4 बजे उठ गए थे, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया, फिर से हम लोग पहुंच गए थे ग्राउंड में, ट्रैक इवेंट हुआ। हाँ, कल शाम को जो इवेंट्स थे 100 मीटर 200 मीटर बॉयज़ और गर्ल्स का जो सेमीफाइनल के लिए सिलेक्शन अधूरा रह गया था वो आज पूरा किया, फिर रिले रेस के लिए भी आज सेमीफाइनल के लिए सिलेक्शन किया गया, फिर हुआ था। फिर उसके बाद हुआ शॉर्ट पुट बॉयज़ और गर्ल्स का, हमारे स्कूल से आपको लोग को मिला था फर्स्ट बॉयज़ और गर्ल्स को ही, फिर हुआ था ग्रुप कॉम्पटिशन्स लाइक थ्रो बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल। हाँ, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ लोग वो जा रहे थे फुटबॉल मैच के लिए दूसरे ग्राउंड में, और इस ग्राउंड में जो है फुटबॉल मैच हुआ था गर्ल्स टीम के लिए, तो वो दूसरे स्कूल से थे, हमारे स्कूल के जो गर्ल्स अभी तक खेले नहीं हैं। तो जो आपको बताना भूल गई थी, 18 स्कूल्स जो है पार्टिसिपेट किए थे इस दशकम में। तो आज जो है फाइनली सूरज देवता ने हम लोग को दर्शन दिया है, इतनी ठंडी लग रही थी ना, पर धूप आई तो थोड़ा आराम मिला। तो करीबन 1:30 को जो है दोपहर के 1:30 को हमारे वाइस प्रिंसिपल पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हुआ था वॉलीबॉल कंपटीशन हमारे स्कूल का बॉयज़ लोग का, तो वो लोग सेमीफाइनल के लिए सेलेक्ट हो गए थे, और अभी था हमारे गर्ल्स टीम का वॉलीबॉल सेमीफाइनल के लिए। तो हमारे गर्ल्स टीम भी वॉलीबॉल के सेलेक्ट हो गए थे सेमीफाइनल के लिए, और उसके बाद हमारे गर्ल्स टीम गए थ्रो बॉल के लिए, थ्रो बॉल में वो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, हम लोग आउट हो गए थे फर्स्ट ही राउंड में। फिर उसके बाद हमारे वॉलीबॉल टीम जो है बॉयज़ के वो लोग सेमीफाइनल के लिए गए और वो लोग सेलेक्ट हो गए थे फाइनल के लिए। बॉयज़ सेमीफाइनल वॉलीबॉल ख़त्म होने के बाद हम लोग गए गर्ल्स फुटबॉल मैच के लिए, तो हमारी जो टीम है आउट हो गई थी फुटबॉल मैच के लिए, और देखो श्रेया को जो है चोट लग गई थी पैर में, तो हाँ वही हम लोग बैंडेज कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग गए फिर से वॉलीबॉल गर्ल्स के लिए सेमीफाइनल, तो हम लोग जो है गर्ल्स टीम भी सेलेक्ट हो गई थी फाइनल के लिए।
फिर उसके बाद हुआ था जब और डिस्कस थ्रो, उसका वीडियो लेना भूल गई थी और हमारी जो गर्ल्स टीम है डिस्कस थ्रो में सेलेक्ट हुई थी, जेवलिन थ्रो में वो लोग आउट हो गए थे। तो उसके बाद 6 बजे ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन था, तो करीबन 8 स्कूल ने ग्रुप कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, ग्रुप सॉन्ग कंपटीशन में। हाँ, जो आज का दिन था 13 जनवरी, बहुत ही बिजी थे हम लोग और लंच करने का टाइम भी हमको नहीं मिला था। हाँ, हम सभी को लंच करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि कंटिन्यूसली जो था गेम्स था, स्पोर्ट्स था इसी वजह से। और ये तसकम जो है सिर्फ 2 दिन का प्रोग्राम था, तो हमको इसी 2 दिन में सारे जो इवेंट्स हैं ख़त्म करना था। इसी वजह से हम लोग जितना हो सके हमारा बेस्ट दे रहे थे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो डिनर होने के बाद बच्चे लोग अपना टायर्डनेस भूल के पूरी पार्टी कर रहे थे, और उसके बाद जो है हम लोगों ने थोड़ा मसाज किया, उनके लेग्स को बहुत पेन हो रहा था, वो लोग कंटिन्यूसली इवेंट्स कर रहे थे ना इसी वजह से, तो थोड़ा मसाज किया बच्चे लोग को। और ये था नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो, 14 जनवरी का। हाँ, तो आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 100 मीटर 200 मीटर रिले सभी जो ट्रैक और जो ग्रुप इवेंट्स हैं फाइनल आज ही है। तो 5 बजे जो है मैंने गर्ल्स लोग को उठा दिया था और उनके उसके बाद हम लोग ग्राउंड में पहुँचे 6 बजे। तो जो हमारे बॉयज़ और गर्ल्स टीम दोनों ही है वॉलीबॉल और जो भी फाइनल इवेंट्स के लिए हम लोग सेलेक्ट हुए हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए आ गए थे हम लोग ग्राउंड में। फॉर ब्रेकफास्ट होने से पहले उनको थोड़ा प्रैक्टिस दिया वॉलीबॉल और फुटबॉल के लिए, और बैडमिंटन भी था आज। तो इधर है हमारी दूसरी टीम जो रेडी कर रही थी उनके ब्रेकफास्ट के लिए, जो भी रनिंग में है इंडिविजुअल आइटम में रनिंग रेस हाई जंप लॉन्ग जंप, उन सभी को जो है हम लोग ने ब्रेकफास्ट में दिया था ब्रेड और जैम। और हमारा जो इंडिविजुअल आइटम है रनिंग रेस रिले रेस ये ख़त्म होने के बाद जेवलिन और डिस्कस थ्रो था, और उसके ख़त्म होने के बाद ये है हमारे बॉयज़ टीम फाइनल के लिए वॉलीबॉल टीम, और ये है गर्ल्स टीम वॉलीबॉल की। तो खेलने वाले थे एक ही ग्राउंड में थे पर डिफरेंट कोर्ट था, एट द सेम टाइम दोनों का फाइनल चल रहा था हमारे वॉलीबॉल बॉयज़ और गर्ल्स टीम का। और ये है हमारे सपोर्टर्स और हमारी जो वॉलीबॉल टीम है बहुत बॉयज़ और गर्ल्स है, हम लोग जीत गए थे वॉलीबॉल में और देखो हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर उसके बाद हमको डायरेक्ट जाना पड़ा फुटबॉल के लिए, बॉयज़ फुटबॉल के लिए। तो सेमीफाइनल में हमारी जो फुटबॉल टीम है बॉयज़ की वो आउट हो गई थी, और अभी हो रहा है हाई जंप और लॉन्ग जंप गर्ल्स के लिए। और हमारा लंच होने के बाद हम लोग आए थे बॉयज़ लोग के लिए हाई और लॉन्ग जंप के लिए। फिर उसके बाद हुआ था हमारा टग ऑफ वार बॉयज़ टीम का, और आप लोग को मैं बताना भूल गई थी फाइनल खेलने के बाद वॉलीबॉल फाइनल खेलने के बाद गर्ल्स टीम का जो है वो लोग गए थे टग ऑफ वार के लिए, और हमारी जो गर्ल्स टीम है टग ऑफ वार में हार गई थी। तो अभी जो है बॉयज़ का टग ऑफ वार चल रहा है, और इतना टफ कंपटीशन था, देखो ये जो रस्सी है हिल भी नहीं रही थी, दूसरी टीम है वो भी स्ट्रांग थी। तो फाइनल में जो है मॉन्फोर्ट अगरतला और मॉन्फोर्ट चप्पानगर हमारा कंपटीशन हुआ था, और हम लोग जीत गए थे मॉन्फोर्ट चप्पानगर, हमारी स्कूल जीत गई थी टग ऑफ वार में बॉयज़। और टग ऑफ वार जो है
कंटिन्यूसली बॉयज़ लोग को पुल करना पड़ा क्योंकि वो लोग चले गए थे फाइनल में, और फाइनल में जो है बहुत ही टायर्ड हो गए थे, पर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो हाँ, बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी टीम जो है टग ऑफ वार में जीत गई थी। आप लोग इन्जॉय करो, आप लोगों को दिखाती हूँ टग ऑफ वार बिटवीन मॉन्टफोर्ट चप्पानगर और मॉन्टफोर्ट अगरतला। तो टग ऑफ वॉर बॉयज में हम लोग जीत गए थे, और देखो हमारे बच्चे कितने टायर्ड हो गए थे, और टायर्ड होने के बाद भी देखो बुक डाउन कर रहे थे खुशी के मारे, उनका जो टायर्डनेस है दिख ही नहीं रहा था। तो इधर से जो है इवनिंग इवेंट के लिए, क्लोजिंग सेरेमनी के लिए प्रिपरेशन चल रहा था इधर, और हमारी बैडमिंटन टीम डबल में जो है फिर से हम लोग आ गए थे मॉन्टफोर्ट अगरतला और मॉन्टफोर्ट चप्पानगर आमने सामने। तो सेमीफाइनल के लिए सिलेक्शन हो रहा था अभी, तो हमारी जो टीम है सेमीफाइनल तक चली गई थी, अभी ये सेमीफाइनल चल रहा है, पर सेमीफाइनल में जो है हमारी टीम हार गई थी डॉन बॉस्को स्कूल नंदनगर से। तो हाँ, तो हम आज का जो ये हमारा जो इवेंट्स है, जो भी हमारे स्कूल का जो इवेंट बाकी था हमारा सारा ख़त्म हो गया है। तो फिर हम लोग चले गए थे क्लोजिंग सेरेमनी के लिए रेडी होने के लिए, और हमारी स्कूल जो है ओवरऑल 88 पॉइंट से चैम्पियन बन गई है फिर से, जो कंटिन्यूसली 3 times चैम्पियन हम लोग बन गए हैं। तो ये जो ट्रॉफी है हमारी हो गई है, और हमारे स्कूल ने जो है 15 ट्रॉफीज जीती है, और इस ग्राउंड में जो है हमने बिताए हैं हमारे 2.5 days। सुबह हम लोग ग्राउंड में आते हैं 5 बजे, और शाम के 5 बजे तक हम लोग इसी ग्राउंड में रहते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं डिनर। हाँ, जो मेरा वॉइस है टोटली ख़राब हो गया था, इसी वजह से जो है एडिटिंग जल्दी नहीं हो पा रहा था। तो आज 18 जनवरी है, आज मैं एडिट कर रही हूँ। तो हमारा जो डिनर है हो गया था, तो बच्चे लोग पैकिंग कर रहे थे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे सोने, और कल सुबह ब्रेकफास्ट होने के बाद और ये रूम क्लीन करने के बाद हम लोग निकलेंगे फर्स्ट हमारे स्कूल की तरफ। स्कूल में रिपोर्टिंग करने के बाद हम लोग जाएंगे अपने अपने घर में। तो हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।